सो गाइस आज हमारे पास है हीरो एक्सट्रीम 125R और यह स्प्लेंडर एक्सेक्ट 2.0। और इस वीडियो में भाई बात करेंगे इन दोनों गाड़ियों का डिटेल कंपैरिजन, क्योंकि भाई 100cc सेगमेंट और 125cc सेगमेंट में ये दो ऐसी बाइकें हैं जो टॉप सेलिंग हैं और इन दोनों का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पा रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी पॉइंट हो जाती है कि आपको कौन सा लेना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के बजट और प्राइस जो हैं काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसकी जो प्राइस है 99,900 ऑन रोड सुपर ऑटोमोबाइल जो कि फैजाबाद रोड लखनऊ में मिल जाएगा, और इसकी बात करते हैं एक्सट्रीम 125R में 114,800 ऑन रोड मिल जाएगा, तो करीब आपको 14-15 हज़ार का डिफरेंस मिल रहा है। तो इन दोनों में कन्फ्यूज़न तो बनेगा भाई कि कौन सी हमारे लिए बेहतर है। आज की इस वीडियो में सारी कन्फ्यूज़न आप लोगों को मैं डिटेल कर दूंगा कि अगर आपके पास कौन सा बाइक लेना चाहिए, अगर आप 100cc सेगमेंट या 125cc सेगमेंट में ढूंढ रहे हो और आप अपने बजट को बढ़ा सकते हो तो वो आप लोग के लिए कौन सी बाइकें हो सकती हैं परफेक्ट। सबसे पहले आपको मैं लुक चेकआउट कराता हूँ साइड से कि कौन सी बाइकें कैसी लग रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से, और ये आप देख सकते हैं एक्सट्रीम 125R की। सबसे पहले जो मैंने प्राइस का बता दिया, अब बात करते हैं माइलेज, क्योंकि कोई भी बाइकें लोगे तो माइलेज का काफ़ी ज़्यादा मतलब वो हो जाता है कि भाई माइलेज भी हमको बेहतरीन चाहिए। तो अगर आपको माइलेज का मतलब चाहिए कि आपको माइलेज वाली बाइक चाहिए तो ये आप लोग के लिए मिल जाएगी, क्योंकि इसका जो माइलेज 73 का आपको मिल जाएगा और वहीं पे इसकी जो माइलेज है 66 कंपनी क्लेम करती है। ये कितना माइलेज देगी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसका तो आप लोग काफ़ी लोग अनुमान लगा के रखे होंगे कि उसमें कितना मिलता है। तो माइलेज का अगर आपको इशू है तो आप ये वाली बाइक लीजिए, अगर आपको माइलेज आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते तो वो आप ले सकते हैं। वो क्यों बताता हूँ, सबसे पहले सामने से देखोगे तो ये आप सामने का लुक देख सकते हो कौन अच्छी लग रही है, आप लोग कमेंट में जरूर बताना। और इसमें आपको डीएल देखने मिल जाते हैं इस तरीके से, इंडिकेटर हैलोजन नहीं मिलेगा, ये भी एलईडी मिल जाता है। ये अपना डुअल प्रोजेक्ट है, हेडलाइट मिल जाता है जो कि एलईडी बेस्ड मिल जाता है। और ये अपना सस्पेंशन देखोगे, मोटा सस्पेंशन मिल जाएगा, टेलीस्कोपिंग मिलता है। टायर साइज आपको इसमें आपको ज़्यादा वाइड मिल जाएगा, 90-90-17 का टायर मिल जाता है। 240mm का डिस्क ब्रेक मिल जाएगा इस तरीके से, आप देख सकते हैं बाइबर का कैलिपर भी आपको ऑफर किया गया। तो ब्रेकिंग के हिसाब से बात करें ये काफ़ी बेहतरीन है, टायर काफ़ी वाइड है यहाँ पे। वहीं पे इसकी बात करें तो इसमें आपको मिल जाती है 130mm के ड्रम जो कि कॉम्बी ब्रेकिंग ये भी ऑफर करती है। 80-100-18 का टायर मिलता है इस तरीके से, आप देख सकते हैं। लाइट की बात करें तो हालांकि इसमें भी एलईडी लाइट अपडेट हो चुकी है, जो मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ है कि आप देख सकते हैं इस तरीके से इसका लाइट देख सकते हैं। डीएल आप यहाँ पे देख सकते हैं, बाकी लाइट का आप देख सकते हैं थ्रो कैसी है। और यहाँ पे इंडिकेटर जो कि हैलोजन है, लेकिन एक चीज़ इसमें प्लस है, क्या इसमें आपको हजार का डेडिकेटली बटन मिल रहा है। वो कैसे आपको मैं दिखाता हूँ भाई, ये देखो भाई हजार का बटन इसमें मिल रहा है, लेकिन उसमें आपको नहीं मिल रहा है। और एक चीज़ और मैं दिखाना चाहता हूँ जो दोनों में सेम है, हालांकि मीटर में थोड़ा सा डिफरेंस है बट फीचर सेम मिल जाएंगे। इसमें आप देखोगे मोबाइल कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ ऐसा ही आपको ऑफर की गई है, मोबाइल की चार्जिंग भी आपको इसमें मिल जाती है, लेकिन उसमें भी आपको सेम आपको लाइट मिल जाएंगी। हालांकि मीटर थोड़ा सा अलग है, एक्सट्रीम 125R वाला मिल जाता है, इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सारी मिल जाती हैं और यहाँ से मोबाइल चार्ज इसमें भी कर पाओगे। इसमें आपको कोई हजार का बटन आपको डेडिकेटली नहीं दिया गया, आप देख सकते हैं। तो मतलब आपको हजार जला के चलना है, हालांकि चलाना नहीं चाहिए बट हजार वाला फीचर इसमें ऑफर किया गया। बाकी पीछे से बात करते हैं तो आप देखो पीछे से कुछ इस तरीके से आपको मैं दिखाता हूँ पीछे इन दोनों में कौन बेहतर लगेगा। अभी देखो ये ग्रेबियल इस तरीके से काफ़ी मजबूत ग्रेबियल, टेल लाइट आप देख सकते हो मेन इस तरीके से, टायर आप मटेरियल देख सकते हो इस तरीके से दिया गया है। इसमें टायर की बात करें 80-100-18 का टायर आप देख सकते हैं इस तरीके से, एग्जॉस्ट आप देख पाओगे नॉर्मल एग्जॉस्ट। सस्पेंशन आपको मिल जाते हैं इसमें स्प्रिंग लोडेड जो कि 5-स्टेप एडजस्टेबल, लेकिन वही बात आती है एक्सट्रीम 125R में ये स्प्लिट ग्रेबियल मिलता है, इसमें नई टेल लाइट मिलती है और ये इंडिकेटर देख पाओगे हजार के साथ। और ये है इसका टायर, तो टायर 120cc के टायर मिल जाते हैं जो कि काफ़ी अच्छा है। अगर मैं टायर एक ही फ्रेम में दिखाऊं इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है भाई, आप चेकआउट करो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और मैं एक बार दिखाता हूँ टायर सेशन, तो 120-80-17 का टायर मिल जाता है और इसमें अभी आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। एग्जॉस्ट आपको देखोगे इसका छोटा सा एग्जॉस्ट, लेकिन हाँ इसका एग्जॉस्ट काफ़ी थंबी एग्जॉस्ट मिलता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब बात आ जाती है भाई टायर की बात करें आगे पीछे, ये कहीं ना कहीं अच्छी है, ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है, इसमें एलईडी लाइट मिलता है, उसमें भी एलईडी लाइट मिलता है, लेकिन इसमें आपको हज़ार का बटन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो मैं बताया काफ़ी मेजर अपडेट है। अब बताता हूँ कि इसमें सीट की
किसकी सीट बेहतर है? सबसे पहले आप देखो, ये सिंगल सीटिंग मिल जाएगी तो इसका फ़ायदा क्या होगा, इसमें आप तीन बंदे बैठ के जा सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छी हैं। बाकी सीट इसकी थोड़ा सा हार्ड लग रही है, वही बात करोगे इसकी, तो इसकी सीट काफ़ी सॉफ्ट है, हालांकि इस पर आप दो ही बंदे बैठ के जा सकते हो, ये भी काफ़ी बड़ा पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ, इसमें आप दो ही बंदे बैठ सकते हो, तो ये चीज़ें मिल जाती हैं। टैंक पर बात करें तो ये अपना 10 लीटर का टैंक मिल जाएगा, ये अपना 9.8 लीटर का टैंक मिल जाएगा। तो आप देखोगे माइलेज 73 मिल जाएगी इसमें, इसमें 66 KMPL का मिल जाएगा, तो माइलेज कहीं ना कहीं उसमें ज़्यादा मिलाया। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताया, और एक दो चीज़ मैं और बताता हूँ कि इसके इंजन की जो मेजर अपडेट मैं बोलना चाहूँगा, जो मेजर बड़े रोल प्ले करते हैं, इसका इंजन देखोगे इसका एक्सट्रीम 125R का, उसमें आपको मिलता है 11.4 BHP का पावर, टॉर्क की बात करूँ 10.5 Nm टॉर्क मिल जाता है। वहीं इसमें मिलता है स्प्लेंडर वाले में जो कि मिलता है 8.02 PS की पावर, 8.05 Nm टॉर्क मिल जाता है। तो ये आपको इंजन में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि आपको लेना कौन सा चाहिए, वो चीज़ें बात करते हैं, कंक्लूजन की बात करते हैं कि भाई आपको कौन सा लेना चाहिए। सबसे पहले भाई, अगर आपका 15,000 का बजट आपको मतलब अलाउ नहीं कर रहा है, तो नॉर्मल सी बात है आपको इसके तरफ जाना चाहिए, स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0, ये भी नया अपडेटेड है, इसमें आपको कोई शिकायत नहीं मिली, क्योंकि इसमें माइलेज मिलेगी, कॉम्बी ब्रेकिंग इसमें भी मिल रहा है, आप तो LED लाइट भी आ चुकी है, तो वो शिकायत नहीं, हज़ार का बटन भी मिल रहा है, एक अच्छा रिलायबल प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। दूसरी बात करते हैं, अगर आपके पास बजट का इशू नहीं है तो ये तो आपके लिए बेहतर ही है, मतलब रामबाण है ये एकदम, क्योंकि मैं बताता हूँ, इसमें आपको मिल जाती है डिस्क ब्रेक, ABS मिल जाती है, सिंगल चैनल ABS मिलती है, इसमें पावरफुल इंजन मिलता है जो कि कोई और प्रोवाइड नहीं कर रहा है, और एक स्पोर्टी लुक आपको इस गाड़ी के साथ नज़र आएगी। एक बार मैं बैठ के दोनों में दिखाता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा जजमेंट कर सकते हो कि आपको कैसा लुक आ रहा है दोनों में, थोड़ा सा मैं एक बार इसी फ्रेम में दिखाना चाहूँगा, आप लोग थोड़ा सा चेक कर सकते हो, जो मेरी हाइट है 5.8 फीट की है, उस हिसाब से देखो कैसा लुक आ रहा है, सामने से साइड से भी देख सकते हो, ये आप दोनों गाड़ी साइड में खड़ी, अभी बगल वाले में चलता हूँ एक्सट्रीम वाले को, अभी आपको नज़र तुरंत आया, और ये थोड़ी सी ऊँची बाइक लगती है वो भी आपको पता चलेगा। अब देखो भाई, ये है हीरो एक्सट्रीम, अब इसका हैंडल देखो, अपराइट हैंडल मिल जाता है इस तरीके से, काफ़ी गजब सा फील आएगा, और मिरर दोनों के आपको स्मार्ट है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला इस तरीके से, और यहाँ से इसको मैं स्टैंड कर देता हूँ, तो आपको नज़र आया कि आपको क्या लुक आ रही है। तो एक बड़ी बाइक लेने का मतलब कि आपको माइलेज तो कम आपको झेलना पड़ेगा, छोटी बाइक लोगे आपको माइलेज काफ़ी बेहतरीन मिलेगी। तो भाई ये था मेरा आज के इस वीडियो में इन दोनों का डिटेल कंपेरिजन, आपको क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, बाकी शोरूम का सारे डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अगर आप लखनऊ सीतापुर या फिर बाराबंकी के आसपास से, तो शोरूम का सारे डिटेल सामने मिल जाएगा। आई होप आप लोग ये वीडियो पसंद आए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसी और शानदार सी वीडियो देखने के लिए भाई।